अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। अमरूद बेच रहे हैं? हाँ जी। जा रहा है काम? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे आप? आ रहे हैं जी। आने का तो फ़ायदा ता ही होगा अगर कोई चीज़ रियायत होगी तो। फिर अगर ये तो वैसे सिलसिला चलेगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका भी। हम लोग तो उनको आगे इसलिए लेके आए हैं कि महंगाई नीचे आए। अगर वो भी ऐसे काम करेंगे फिर तो गरीब बंदा तो मारा जाएगा। तगड़े बंदे तो सारे खा रहे हैं, माड़ा बंदा तो जलील ही हो रहा है ना। ये देखो हम फेरी करते हैं ना अपनी, फेरी करके रात को जाते हैं तो 500-700 बनता है, 1000-1200 रुपये का घर का खर्चा है। हम क्या करेंगे? इतनी महंगाई कर दी है देखो ना कि माड़ा बंदा तो किराया लेके भी नहीं जा सकता, यादगार नहीं जा सकता। तो हम देख लो मजदूरी करते हैं, शाम को खाते हैं, न्याने के बाद पेट नहीं भरता, क्वार्टर का किराया देना होता है वो नहीं बनता, घर का बिल कितना आ जाता है 14,000-15,000, मैं कैसे तारूंगा? तो ये काम करके सारा कुछ पूरा हो जाता है खर्चा? नहीं होता ना, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। क्यों बता के जब घर का बिल आ जाएगा 14-15,000 वो कैसे उतारेंगे? महंगाई इतनी, अगर जूंट होते हैं ना 100 तो भेज देते हैं 250 लगा के। ये तो जायदी कर रहे हैं ना गरीब बंदे के साथ। हम तो देखो मजदूरी करके कमाते हैं, ये वैसे सिलसिला चलेगा तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं आगे आने का। अगर आगे आए हैं ना तो अपना आप कुछ दिखाएं, फिर हम लोग तो उनके साथ ही होंगे ना। अगर वो ऐसे करेंगे ना तो हम उनका साथ भी नहीं देंगे। बकाया जी अगर आगे आए हैं ना तो कुछ महंगाई नीचे लेके आएंगे, हम उनके साथ हैं। अगर शिफ्ट के साथ हैं आप, अगर महंगाई नीचे करेंगे तो फिर, अगर नहीं करेंगे फिर हम उसका साथ भी नहीं देंगे। हम ये सब लोग तो उनके साथ ही हैं ना जो महंगाई नीचे लेके आएगा। अगर महंगाई नीचे नहीं लेके आएंगे तो हम उसका साथ कैसे देंगे? ऐसे ना चंगा सी जरा हर चीज़ थले लिया सी। लोग रो रहे थे? रो तो रहे थे, इतनी महंगाई तो नहीं थी ना। पेट्रोल तो उसके 200 रुपए था, अब क्या हो गया? 324 हो गया है। चलो थोड़ा मता तो उसने किया होगा क्योंकि वो नया बैठा था। अब इतनी महंगाई कर दी इसने आके कि माड़े बंदे का तो जीना आराम हो गया है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हल नहीं है? मरियम नवाज़ कहती हैं कि वापस नवाज शरीफ आएंगे तो हालात बेहतर होंगे, उनको कौम का बड़ा एहसास है। वो तो आपकी बात ठीक है, अगर वो आएंगे जी, अगर वो आके भी ऐसे करेंगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो ना तेल कहाँ चला गया, घ्यो कहाँ चला गया, महंगाई इतनी हो गई है कि माड़ा बंदा कुछ नहीं खा रहा। आप तो इधर फिर रहे हो ना, बाहर पिंडों में जाके देखो क्या हाल हो रहा है लोगों का। लोग शहर से बुरे हालात हैं, क्या 1000 रुपया दिहाड़ी कमा के लेके आते हैं, 1000 रुपया उनका 1500 खर्चा है रोज का, वो क्या करेंगे? ये जेडे लोग तो पहले के बने हुए ना वो तो खा रहे हैं सुकून से बैठ के, जेडे माड़ा बंदा मजदूरी करके खा रहा है ना उसका गुजारा नहीं हो रहा। ये देखो मैं हूँ ना, मेरा 14,000 बिल आया, मैं कैसे तारूंगा? मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? मैं बेलीदार ना, और खर्चा कोई नहीं होता, हर बंदा ही तंग हो गया है। बात यह है कि हम तो उसका साथ देंगे जो बंदा महंगाई नीचे लेके आएगा, जो महंगाई नीचे नहीं लेके आएगा हम उसका साथ नहीं देंगे। तो ये तो सिलसिला नहीं होगा ऐसे, आपको भी पता है कि हर चीज़ नीचे आएगी तो हर बंदा ही उसका साथ देगा, जो नीचे नहीं आएगा तो कोई उसका साथ नहीं देगा। मरियम तो कह रही है ना कि आएंगे, आएंगे अगर वो हालात ठीक करेंगे तो हम उसका साथ देंगे, अगर हालात ठीक नहीं करेंगे तो हम उसका साथ भी नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। ओके।